हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद और मेरे साथ है प्रशांत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाई किस्मत हो तो मसला गर्ल माहिरा शर्मा जैसी, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार बच चुकी हैं बेघर होने से। क्यों प्रशांत? डेफिनेटली तन्वी, पता नहीं उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है मसला गर्ल पर। मसला करते करते वो यहाँ तक तो पहुँच गई, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत भी उनके साथ मसला ही कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि जब दिवाली का टाइम था या पहले भी, वो नॉमिनेट हुई थी लेकिन वो बच गई, क्योंकि तब दिवाली का सीजन था, दिवाली पर कोई बाहर जाता ही नहीं है, तो वो इस वजह से बच गई। दूसरी बार वो बच गई एक और वजह से, हाँ, टिकट टू फिनाले। जब पहला पड़ाव पार हुआ, इवन सलमान खान ने काफ़ी बार उस चीज़ को लेकर उन्हें टॉन्ट मारा, उन्हें चिढ़ाया भी कि तुम्हारी जगह रश्मि होती लेकिन तुम बच गई। कई कंटेस्टेंट्स ने उनको तब टॉन्ट भी मारे, काफ़ी टॉन्ट मारे थे कि तुम डिजर्व नहीं करती हो टॉप सिक्स में आना। तो मेरे हिसाब से तो वो वाकई में डिजर्व नहीं करती हैं टॉप सिक्स में आना, तो लेकिन उस टाइम भी वो बच गई कनेक्शन की वजह से। अब तीसरी बार वो फिर से बच गई कल डेबोलिना की वजह से, क्योंकि डेबोलिना काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू माहिरा शर्मा। और माहिरा जो थी वो एक बार फिर बच गई, क्योंकि वो इस बार भी बॉटम टू में थी। सलमान ने पारस को और माहिरा को लेकर दोनों को ही काफ़ी बोला कि तुम दोनों बॉटम टू में हो, और माहिरा कभी भी जब नॉमिनेट होती हैं तो वो हमेशा बॉटम में ही रहती हैं। अगर तुम्हें याद हो, जब एक बार आरती और सिद्धार्थ डे और माहिरा थे, उन वो तीनों ही बॉटम में थे, लेकिन उस दौरान सिद्धार्थ डे ने काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें जिसके बाद वो आउट हो गए थे, दर्शकों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। तो उस टाइम पर भी सबसे पीछे अगर कोई थी तो वो माहिरा ही थी, तब वो बच गई। लेकिन अब कंटेस्टेंट्स उनसे भी अच्छे अच्छे हैं, अगर वो अब दोबारा नॉमिनेशन में अगर आ जाती हैं तो अब मसला कल मुझे नहीं लगता है कि दोबारा बच पाएंगी। लेकिन क्या पता तीन बार बची हैं तो चौथी बार भी बच जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से वो गेम खेल रही हैं, पहले वो सिद्धार्थ से उनका पंगा रहता था, हर बीच में लड़ाई में उन्हें कूदना, लड़कों के बीच में लड़ाई होती है वो उसमें आ जाती हैं, रश्मि की वजह से वो टॉप सिक्स में बनी रही थी लेकिन रश्मि के साथ भी उन्होंने लड़ाई कर ली बड़ा अच्छा। और कल भी मैंने देखा, कल भी जब एक टास्क हुआ था वो वाला कि कौन सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग है, उस दौरान भी वो रश्मि को ही गले लगा, मतलब बैठी हुई थी उन्हीं से, एकदम चिपक करके बैठी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसका माहिरा का समझ में ही नहीं आता है कि वो किस तरफ है। एक पारस को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो घर में किसी और के साथ उनका कोई, बिल्कुल प्रशांत, इवन फैंस का भी यही कहना होता है कि पारस छाबड़ा के साथ साथ चल के माहिरा शर्मा यहाँ तक पहुँच पाई है, वरना माहिरा शर्मा ना तो कुछ खास टेन करती है लोगों को और ना ही मतलब अपने टास्क में भी इतना कुछ उनका दिखाई। कहीं ना कहीं उन्होंने कल मान ही लिया था कि वही निकलेंगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली भी कि नहीं, पारस तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जब दोनों ही वो बॉटम में, तो ऑब्वियस ही बात है कि पारस अगर ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं तो वो बच ही जाएंगे, वो निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर डेबोलिना जो है वो अपनी, उनकी तबीयत क्या खराब हो गई, उनकी तबीयत ने माहिरा को बचा लिया, वरना माहिरा इस हफ्ते बेघर हो जाती। अब इस बार नॉमिनेशन में अगर माहिरा आती हैं तो मुझे लगता है कि पत्ता जरूर उनका पत्ता कट सकता है। बिल्कुल प्रशांत, जैसे देखा जाए तो माहिरा शर्मा की जो गेम है वो इतनी कुछ खास नहीं खेल रही, बल्कि जो अभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आए हैं, शिफाली हो गई, विशाल हो गई, हिमांशी खुराना भी, ये लोग अब उभर कर आ रहे हैं। और क्या आ रहे हैं, डेफिनेटली माहिरा स्टार्टिंग से ही है शो में, लेकिन उनको वो एक छाप नहीं छोड़ पाई अब तक दर्शकों तक। इवन यही वजह है कि वो जब भी नॉमिनेट होती हैं तो वो हमेशा लोअर ही रहती हैं, उनको बहुत कम वोट्स मिलती हैं, हमेशा वो बॉटम में ही रहती हैं। बिल्कुल प्रशांत, अभी हमने हमारे जो चैनल ने अभी पोल भी करवाया था प्रशांत, उसमें भी माहिरा शर्मा को जब हमने रखा था, जब हमने चार ऑडियंस को दिए थे ऑप्शंस, तो माहिरा शर्मा को सबसे ज्यादा काफी ज्यादा लोगों ने उस पर वोट्स किए थे, और सबसे ज्यादा लोगों ने माहिरा को ही लेके वोट्स की थी कि वो ही बेघर होंगी, तो वो ही आउट होती। लेकिन वही अभी मैंने बताया कि वो डेबोलिना की वजह से किस्मत उन पर पता नहीं इतनी मेहरबान हो रही है। अब आगे भी देखते हैं कि आगे भी किस्मत मेहरबान होगी कि नहीं होगी, या निकल जाएंगी, क्योंकि अब तक यहाँ तक भी वो अपने आप उनकी किस्मत बचा लाई है, बहुत बड़ी बात है। प्रशांत, जाते जाते बात कर लेते हैं आरती सिंह की, क्योंकि आरती सिंह ने खुद, माहिरा ने खुद बोला था आरती सिंह को कि तुम्हारी तो किस्मत की वजह से तुम यहाँ पे हो, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। डेफिनेटली ये चीज तो जनता ने प्रूफ करके दिखा दी, आरती ने माहिरा को और पारस को दोनों को ही टॉन्ट मार के सुना दिया कि मैं तुम दोनों से ज्यादा वोट लेकर के आई हूँ, तुम्हारी तरह बॉटम में नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं अब माहिरा और उनको ये भी डर है कि पूरे हफ्ते लोग उनको इसी चीज से चिढ़ाने भी वाले हैं कि हमें टॉन्ट मारेंगे कि तुम बॉटम। अब क्या, हाँ, जब सलमान खान ने काफी उन्हें परेशान किया तो घर वाले तो करेंगे ही करेंगे, पर मुझे अब लगता है कि अब शायद उनकी किस्मत का टाइम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, या तो माहिरा को अब अपनी जबरदस्त गेम खेलनी पड़ेगी प्रशांत, अपना गेम सुधारना पड़ेगा। पर अब गेम भी खेल ले, कुछ भी कर ले, जो स्टार्टिंग से ही वो उनको बहुत कम वोट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों उनको लेके इंटरेस्टेड नहीं है काफी, उनसे ज्यादा लोग और हैं शो में जो काफी अच्छा खेल रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग, सिर्फ गेम खेलने भी नहीं कह सकते ना, एक फैन फॉलोइंग भी होती है बाहर, फैन फॉलोइंग शायद उनकी उतनी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है, तो शायद अब बार बार तो नहीं बच पाएंगी। मुझे लगता है शायद अगले हफ्ते अगर नॉमिनेट हुई तो शायद वो बेघर हो सकती है।
वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए आए दिन बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरें लाते ही रहते हैं। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या माहिरा शर्मा सिर्फ अभी तक अपनी किस्मत की वजह से चल रही हैं या नहीं। और साथ ही में आप बिग बॉस का अड्डा भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए लाते हैं।